हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूं अंकित और आज मैं आपके पास वापस आ गया हूं एक और फ्लाइट जर्नी लेके। आज की जो अपनी जर्नी है वो थोड़ी लंबी होने वाली है, तो आज हम ट्रैवल कर रहे हैं सिंगापुर एयरलाइंस के साथ मुंबई से लॉस एंजलिस तक। बट ये व्लॉग दो पार्ट में आएगा क्योंकि पहली जर्नी है मेरी मुंबई टू सिंगापुर और फिर है सिंगापुर टू लॉस एंजलिस। तो इस वीडियो में हम सिंगापुर तक जाएंगे और फिर जो लॉस एंजलिस वाला व्लॉग है वो मैं अलग से बनाऊंगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। पर अभी मैं हूं द लीला में, जो कि मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है, और मैंने इस होटल का रिव्यू व्लॉग अलग से बनाया है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, आप वहाँ से जाके ज़रूर देखिएगा। तो अभी हो चुका है 7:30 और टाइम है चेकआउट का, तो चलिए फिर होटल से चेकआउट करते हैं क्योंकि अपनी फ्लाइट का जो डिपार्चर है वो है 11:50 AM। बट उसके पहले अगर आप चैनल पर नए हो सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू इट एंड प्रेस द बेल आइकन, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए सो प्लीज़ डू शेयर इट एंड लाइक इट। तो चलो फिर करते हैं अपनी जर्नी शुरू मुंबई टू सिंगापुर, जो कि होने वाला है हमारा फर्स्ट लेग ऑफ जर्नी मुंबई टू लॉस एंजलिस का। तो अभी मैं एयरपोर्ट आ चुका हूँ और जो मेरा चेक इन काउंटर है वो मिला है मुझे चेक इन काउंटर सी, जहाँ से सिंगापुर एयरलाइंस की चेक इन हो रही है और अपनी चेक इन शुरू हो चुकी है। तो चलो चेक इन करते हैं। पहले भीड़ तो थोड़ी कम ही लग रही है, बाकी देखते हैं कितना क्या टाइम लगेगा। तो ये बढ़िया भैया, सारे काउंटर्स खाली हैं चेक इन के, अगला नंबर मेरा ही है। वही चेक इन हो चुकी है, बहुत स्मूथ चेक इन था, सिर्फ वैक्सीन सर्टिफिकेट और पासपोर्ट मांगा ऑब्वियसली और टिकट। तो चलो सिक्योरिटी करते हैं, इमिग्रेशन करते हैं, फिर उसके बाद मिलते हैं। तो चेक इन, सिक्योरिटी और इमिग्रेशन डन, कंपेरेटिवली खाली था, जल्दी जल्दी हो गया सब। अब है 3 घंटे का इंतज़ार, तो चलो मुंबई एयरपोर्ट घूमते हैं तब तक। ये आप इमिग्रेशन के बाद आओगे तो सारी ड्यूटी फ्री आपको लाइन से दिखेंगे। तो भाई अभी मैं आके बैठा हूँ मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के फूड कोर्ट में इंटरनेशनल डिपार्चर्स के, और काफ़ी बड़ा फूड कोर्ट है, काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं। और अगर इस एयरपोर्ट पे लाउंज की बात करें तो यहाँ पे 2 लाउंज हैं, एक है अडानी लाउंज जो कि ओनली फॉर बिजनेस क्लास एंड फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स के लिए है, और उसके अलावा है एक लॉयल्टी लाउंज जो कि इकोनॉमी क्लास पैसेंजर्स के लिए है। तो जब मैं लास्ट टाइम यहाँ से जोहान्सबर्ग गया था इथियोपियन एयरलाइंस से, जिसके फ़्लाइट का रिव्यू मैंने अलग से दिया है और उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, तो उस टाइम मैं लॉयल्टी लाउंज में गया था और उसका मैंने वीडियो बनाया था, उसका भी रिव्यू दिया था। तो ओवरऑल उसके एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मैं उतना अच्छा नहीं कहूँगा, और उसकी कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा थी, 3,000 रुपीज़ प्लस टैक्सेस थी अगर आपका क्रेडिट कार्ड वगैरह सपोर्ट नहीं करता है तो, और वो उतना वर्थ इट नहीं है। तो लॉयल्टी लाउंज का भी मैंने वीडियो बनाया था जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अभी मेरी फ़्लाइट में कुछ 2 घंटे और हैं, 3 घंटे ऑलमोस्ट, और मेरा जो गेट है वो है गेट नंबर 77। तो चलो तब तक प्लेन स्पॉटिंग करते हैं मुंबई एयरपोर्ट पे और फिर मिलते हैं बोर्डिंग गेट पे। तो भाई बोर्डिंग अनाउंसमेंट हो चुकी है और कुछ 10:30 हुआ है, 20 मिनट है बोर्डिंग को, और जो गेट है वो है हमारा गेट नंबर 77। तो चलो गेट पे चलते हैं जल्दी से। तो भाई गेट नंबर 77 पे आ चुके हैं, अभी कुछ 10 मिनट और हैं। तो इस जर्नी का जो अपना एयरक्राफ्ट है वो है एयरबस A350-900 एयरक्राफ्ट। तो इसके पहले जो मैंने कतर एयरवेज और इथियोपियन एयरलाइंस में ट्रैवल किया था उनके पास भी एयरबस A350 एयरक्राफ्ट्स हैं, क्योंकि मेरे हर फ्लाइट लेओवर की थी उसमें से एक एक एयरक्राफ्ट मुझे मिलता था, बट सम हाउ लास्ट मोमेंट पे वो चेंज होके या तो बोइंग 777 या बोइंग 787 हो चुका था।
तो ये A350 एयरक्राफ्ट की मेरी फर्स्ट फ्लाइट है, तो देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस होता है, कैसी हॉस्पिटैलिटी होती है सिंगापुर एयरलाइंस की। अभी 10-15 मिनट है बोर्डिंग के लिए, तो चलो फिर थोड़ी देर वेट करते हैं और फिर जब बोर्डिंग स्टार्ट होती है तो बोर्ड करते हैं सिंगापुर एयरलाइंस के एयरबस A350-900 एयरक्राफ्ट को सिंगापुर के लिए। सिंगापुर एयरलाइंस के एयरबस A350-900 में 333 का कॉन्फ़िगरेशन था। मेरी इस जर्नी की सीट थी 61K, जो कि एक विंडो सीट थी। और जब मैं सीट पर पहुंचा तो वहां पर पिलोज और ब्लैंकेट ऑलरेडी रखे हुए थे। सिंगापुर एयरलाइंस की प्री फ्लाइट सेफ्टी ब्रीफिंग काफी ही इम्प्रेसिव थी। अराउंड 12 बजे हमारा पुशबैक शुरू हुआ। और फिर अराउंड फाइनली 12:30 पे हमारा हुआ टेक ऑफ सिंगापुर के लिए। टेक ऑफ के थोड़ी देर बाद ही हमें सर्व हुए पीस एंड क्रैकर्स और सॉफ्ट ड्रिंक्स। सॉफ्ट ड्रिंक्स के अलावा आप हॉट और अल्कोहलिक बेवरेजेस भी ऑप्ट कर सकते थे। इस फ्लाइट में वाईफाई भी अवेलेबल था। अगर आप क्रिस्प फ्लायर मेंबर हैं तो 1 घंटे के लिए आपको वाईफाई कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है। उसके बाद पूरी जर्नी के लिए आप अराउंड $16 पे करके वाईफाई यूज कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं इस जर्नी के इन फ्लाइट मेन्यू की। इसका इन फ्लाइट मेन्यू आप इसके वाईफाई को ज्वाइन करके देख सकते हैं। मेरी इस जर्नी के मेन्यू में था एक रोस्टेड चिकन का डिश, लैम विथ राइस और एक वेजिटेरियन डिश, और साथ में एक डेजर्ट भी था। इनका बेवरेज मेन्यू काफी एक्सपेंसिव था, जिसमें अल्कोहलिक बेवरेजेस लाइक वोडका, जिन, विस्की, बियर एक्सेट्रा और नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस जैसे फ्रूट जूसेस, सॉफ्ट ड्रिंक्स और कॉफी एंड मसाला चाय थी। थोड़ी देर बाद हमें हमारा लंच सर्व हुआ और मैंने ऑप्ट किया था लैम्ब डिश को। इसमें था एक रेस्पबेरी चीज केक, एक बन विद बटर और मेन कोर्स में था जीरा राइस विद दाल एंड लैम्ब करी, और बेवरेजेस में मैंने चूज किया था मसाला चाय। ओवरऑल फूड टेस्ट, क्वांटिटी और क्वालिटी वाइज बहुत ही ज्यादा बढ़िया था। आइए अब देखते हैं इस सिंगापुर एयरलाइंस के इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट को। इसका इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट काफी एग्जॉस्टिव था, और मैं आपको फैक्ट बताऊं तो मैं पूरा ब्राउज भी नहीं कर पाया। अगर मूवीज की बात करें तो इसमें बहुत सारी कैटेगरीज थी और मल्टीपल लैंग्वेजेस में इसमें मूवीज अवेलेबल थी। इसके बॉलीवुड सेक्शन में भी अच्छे खासे ऑप्शंस अवेलेबल थे। मूवीज के अलावा इसमें वेब सीरीज के भी ऑप्शंस अवेलेबल थे, और इसमें एक म्यूजिक सेक्शन भी था जिसमें काफी जॉनरा के सॉन्ग्स अवेलेबल थे।
इन सब चीजों के अलावा आप अपनी फ्लाइट को लाइव ट्रैक भी कर सकते थे। सिंगापुर एयरलाइन का एक और बहुत ही अमेजिंग फीचर था इसका ऑनवर्ड कनेक्शंस इंफॉर्मेशन, जिसमें अगर आपकी चांगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कनेक्टिंग फ्लाइट है तो वो आपको फ्लाइट का टाइम ऑफ डिपार्चर और किस गेट से वो डिपार्ट होगी ये सारी इंफॉर्मेशन आपको बताता था। तीन घंटे की फ्लाइट हो चुकी है और कुछ 1260 किलोमीटर रह गया सिंगापुर और अभी हम इंडोनेशिया के ऊपर उड़ रहे हैं और इसके बाद जो मेरी लॉस एंजलिस की फ्लाइट है उसमें कुछ 1 आवर का ले ओवर है तो उसका राइट टाइम तो 7:55 है पर ये दिखा रहा है कि 7:30 तक पहुंच जाएगी और जो लॉस एंजलिस की फ़्लाइट है वो है 8:45 PM पे। तो एक अच्छी चीज़ ये है कि हमारा टर्मिनल सेम है, ये टर्मिनल 3 पे ही जाएगी और जो उसका गेट रहेगा वो 8:10 रहेगा और जो लॉस एंजलिस की फ़्लाइट है उसका गेट रहेगा C3। तो कुछ 10-15 मिनट का ही वॉक रहना चाहिए और उम्मीद है कि फ्लो थोड़ा स्मूथ रहेगा। चलो फिर फ्लाइट कंटिन्यू करते हैं। जब मैं अपनी सीट पर पहुंचा था तो वहां पर ईयरफोन्स ऑलरेडी रखे हुए थे। इसके अलावा इसके इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट स्क्रीन के नीचे एक यूएसबी पोर्ट था जहां से आप अपने डिवाइस को चार्ज भी कर सकते थे। आइए अब इस एयरबस A350-900 के सीट फीचर्स को देखते हैं। इसके टॉप राइट में था एक फोल्डेबल कप होल्डर, इसके अलावा एक छोटी पॉकेट। इसकी ट्रे दो पार्ट्स में खुलती थी जिसमें था एक मिरर और एक कप होल्डर। फुल खुलने के बाद भी एक टॉप राइट में इसमें कप होल्डर था। इसकी ट्रे टेबल का साइज सफिशिएंटली बड़ा था। इसकी सीट पॉकेट काफी अच्छी डेप्थ की थी और एक मेन सीट पॉकेट के अलावा इसमें छोटी छोटी पॉकेट्स भी थी जिसमें आप अपना फोन और एक्स्ट्रा सामान रख सकते थे। सिंगापुर टाइम के हिसाब से अराउंड 7 बजे हमारा डिसेंट शुरू हो गया। भाई सिंगापुर आ चुके हैं और अगली जो अपनी फ़्लाइट है जो सिंगापुर से लॉस एंजलिस होने वाली है उसके लिए सिर्फ 1 घंटा बचा है, तो इस ब्लॉग को हम यहीं ख़त्म करेंगे और अगले ब्लॉग में मिलेंगे जो कि होने वाला है सिंगापुर टू लॉस एंजलिस। लेकिन ब्लॉग ख़त्म करने के पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ टू सब्सक्राइब टू इट एंड प्रेस द बेल आइकन और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। तो चलो फिर जल्दी से टर्मिनल पार करना है क्योंकि टर्मिनल 3 पे हमारी लैंड हुई और टर्मिनल 1 पे जाना है, तो जल्दी जल्दी करते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में जो कि होगा सिंगापुर टू लॉस एंजलिस। और ये मेरी जो फ़्लाइट है ये होने वाली है 15 hours and 30 minutes की और ये मेरी लाइफ की सबसे लंबी फ़्लाइट होने वाली है, तो चलो जल्दी जल्दी करते हैं फिर।